शुरू करने वाले अपनी एक्सरसाइज टू, लेकिन उससे पहले मैं 5 सेंटेंस इंग्लिश में बोलूंगा और आप बस ये देखिएगा कि उसमें से आपको कितने समझ में नहीं आया, 5 में से 1 समझ में नहीं आया, 5 में से 2 नहीं समझ में आया या 5ों नहीं समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आगे की डिस्कशन उस पर करेंगे। तो पहला सेंटेंस, माय नेम इज अभिषेक, दिस इज माय चैनल स्टडी लैब्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश हियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गिव मी अ कमेंट, आई विल आंसर इट, ठीक है। अब ये 5 सेंटेंस है, आई होप 5 में से आपको कम से कम 4 तो समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल थे। आप वापस जा सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको पता होना चाहिए कि कितने समझ में आए कितने नहीं समझ में आए, ठीक है। तो आई होप कि 4 तो आए ही होंगे, 5 भी आए होंगे, कोई इतने टफ सेंटेंस नहीं थे। आखिरी वाला थोड़ा सा लेंथी था कंपेरेटिवली, लेकिन टफ नहीं था। अब ये क्यों जरूरी है, पहला सेंटेंस माई नेम इज अभिषेक, तो इसमें क्या आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी, आप बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे और अपने बहुत जल्दी इसका मतलब समझ लिया होगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश हियर, तो ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी आपको मतलब बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। दिस इज माई चैनल स्टडी लैब्स, ये भी बहुत जल्दी आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ये मेरा चैनल स्टडी लैब्स। तो देखिए, इंग्लिश के साथ या किसी भी लैंग्वेज के साथ यही होता है, जब हम उसमें किसी चीज को लेके कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमें चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। और इस जो वीडियो सीरीज है उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल हो जाएं, और कुछ नहीं, बस आपका जो कंफर्ट फैक्टर है वो बढ़ जाए। आप एडिशन देख लीजिए, आप 2+2 ऐड कर सकते हैं, बहुत जल्दी +4 हो जाएगा, 2+2=4। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 71 और 36 ऐड करो तो आपको दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर ऐड करने में आपका कंफर्ट नहीं है। लैंग्वेज के साथ भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनके ट्रांसलेशन लिखिए, तो वो बहुत जरूरी है। मैंने अगर आपसे कहा टेड टॉक सुनिए, तो वो ये नहीं कि आपने एक दिन सुना और खत्म हो गया, आप ट्रांसलेशन करते रहिए, इसके आगे जो एक्सरसाइज होंगी वो भी आप करते रहिए, टेड टॉक सुनते रहिए, इंग्लिश में डेली 5-10 मिनट सोचिए। तो ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आपने टेड टॉक सुना फिर आपने 3 दिन बाद एक एक्सरसाइज देख ली। अगर आपने नहीं देखा है और बीच में ये एक्सरसाइज देख रहे, तो आप सबसे पहला लेसन सबसे पहले देखिए, फिर दूसरा देखिए और फिर इस पे आइए। तो शुरू करते हैं डायलॉग्स, हमें पता है कि हमको लिखना है, थोड़ा सा लंबा डायलॉग है, मैंने कहा था डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस एक्सरसाइज में। और जो सबसे पहला डायलॉग है वो है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया कि मेरा बाप चोर है, ठीक है। स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, आप पॉज कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए अपना, जो भी आपको समझ में आता है अब एक बार आंसर लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है। गो एंड फर्स्टली गेट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु रोट ऑन माय हैंड दैट माय फादर इज अ थीफ। एक मेरे फ्रेंड ने ये आंसर बताया, दूसरे ने आंसर बताया या ट्रांसलेशन बताया, गो एंड गेट द साइन ऑफ दैट पर्सन हु रोट योर फादर इज अ थीफ ऑन माय हैंड। अगर आपका इससे मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपने क्या आंसर इसका लिखा, क्या इसका ट्रांसलेशन लिखा, ठीक है। तो सेकेंड लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सेकंड ट्रांसलेशन क्या है। हमारा सेकंड ट्रांसलेशन है, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो आप पॉज कर लीजिए, ट्रांसलेट करिए, देखते हैं कि इसका क्या होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। आई डोंट थिंक योर एक्शंस आर राइट, यू कांट डू इट, पहला। आई गॉट योर टेंडेंसीज रॉन्ग, यू कांट। I am not liking your sentence, you won't be able to do it. Or I don't find your tendencies right. इसके आगे ये वाला ही है, you won't be able to do it. ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, इस जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं 1 और 2, उसका जो मोटिव है, मोटिव क्या है कि आपके पास वर्ड्स बढ़े, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लक्षण के एक वर्ड आपको मिला, एक्शन, टेंडेंसी, सिम्टम्स। अब इनमें से आपको पिक करना होगा, ठीक है, यहाँ पे वापस टेंडेंसी आ गया। देखिए एक वर्ड है लक्षण, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या मिल गए, 3 वर्ड्स मिले। अब सिर्फ आपका वोकैब बढ़ाने के लिए, जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। तो तीसरी एक्सरसाइज होगी, वहां से हम रूल्स का इंक्लूजन करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आपको लिखते वक्त नहीं करना होगा, मैं कुछ बताऊंगा उनको, बस ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अभी जो मेन मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हमें पता चले, उनमें से बेस्ट वर्ड क्या होगा वो हम पिक करना सीख जाएंगे धीमे धीमे। हमें सीखने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद पता चलता रहेगा कि हाँ ये वाला सही है और ये वाला सही नहीं है, ठीक है। हमें खुद फीलिंग आने लगेगी जब हम कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अगला हमारा है, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आप पॉज कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, राइट। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं क्या है। When this hand of 2.5 kg got forced on someone, then that person don't hit, rise up, he is dead. दूसरा है, this 2.5 kg hand is used on someone, then he doesn't get up, he goes up. तो देखिए यहाँ पे भी वही है कि वो उठता नहीं, उठ जाता है, उठ जाता है कि दो वर्ड हमें मिले, एक डेड मिला, एक मिला गोज अप। आपको कुछ मिला होगा, ठीक है, आप उसको अभी संभाल के रखिए, लिख के रखिए, कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मैं पता चल सके कि और लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है, तुम्हारा प्यार ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, 10 साल से पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए। तुम्हारा प्यार ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, 10 साल से पास ही नहीं हो रहा है, राइट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लाइक इट्स नॉट योर लव, इट्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी, इवन कुड नॉट पास आउट सिंस 10 ईयर। पास आउट यहाँ पे नहीं होगा, पास आउट का थोड़ा सा मतलब अलग होता है, लेकिन ठीक है, अभी सब एक्सेप्टेबल है। योर लव इज लाइक यूपीएससी, आई कैन नॉट पास इट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। अगर आपने भी आई का यूज किया होगा तो गलत है, आई इस सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं पास नहीं कर पा रहा हूं 10 साल से, ठीक है, तो आई इस सेंटेंस में आप मत यूज करिएगा, बाकी एक्सेप्टेबल है सब कुछ, और ठीक है, अगर आपने कुछ भी यूज किया होगा चलेगा, इससे मैच। देखिए मैं ये सेंटेंसेस के आंसर आपको क्यों बता रहा हूँ, ये गलत आंसर है, ये सही आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक कंपैरिजन के लिए दे रहा हूँ कि आपका अगर इनमें से कोई वर्ड मिस हो रहा है तो आपको वो वर्ड मिल जाए, आप उसको दोबारा लिख लें, या आप कंपेयर कर लें कि कितना सही है कितना गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, 4-5 जो लेक्चर की सीरीज है खत्म हो जाएगी और जो अगली सीरीज स्टार्ट होगी, तब आपको अगर ये सेंटेंस मिलेंगे करने को, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आपने पहली बार बिना किसी रूल के और सिर्फ बिना कुछ जाने बनाए थे तब कितनी प्रोग्रेस हुई, और जब आप जब ये खत्म कर लेंगे, कंफर्ट लेवल एक डेवलप हो जाएगा, तब आप उसको वापस बनाएंगे उन्हीं सेंटेंस को, तो कितना चेंज आएगा। तो वो आपके कंपैरिजन के लिए भी बेटर है कि अगर आपके पास लिखे रखे हैं, आप सिर्फ वीडियो देखते चले जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट बहुत कम होगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, आपके पैर देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, ठीक है, आप पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए इसको, ये थोड़ा सा टिपिकल है, अब हम थोड़े टिपिकल सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे लास्ट जो लेसन था उसमें था, तेजा मैं हूं मार के दर है, जाल सिमरन जाल जील अपनी जिंदगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये थोड़े से उससे ज्यादा टिपिकल हो गए, राइट, ये थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हमको मिले, ठीक है, देखते हैं। लुक एट योर फीट, राइट, अब बहुत से लोगों ने लेग हो सकता है आपने इसे यूज किया, लेग नहीं होगा यहाँ पे, जो पाँव की बात हो रही थी वो फीट की बात हो रही थी, उसको चेंज कर लीजिए। सो ब्यूटिफुल, प्लीज डोंट पुट देम ऑन फ्लोर, माइट गेट डर्टी, ठीक है, ये पहला था जिसने मुझे बताया। सो योर फीट, दे आर इमेंसली ब्यूटिफुल, डोंट पुट देम डाउन ऑन ग्राउंड, दे विल गेट डर्टी। अब एक वर्ड यहाँ पे और आ गया, इमेंसली, राइट, तो एक हमें अलग नया टर्म मिला कि हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो ब्यूटिफुल इसमें लिखा हुआ था, लेकिन दे आर ब्यूटिफुल भी कर सकते थे, दे आर इमेंसली ब्यूटिफुल कर दिया हमने, राइट। फिर हैव सीन योर फीट, दे आर ब्यूटिफुल, डोंट पुट देम ऑन द फ्लोर, दे विल गेट डर्टी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिले, यहाँ पे हमें फ्लोर मिला, अब वही जमीन है तो यहाँ पे ग्राउंड मिल गया, यहाँ पे फ्लोर मिल गया, एक ने अर्थ लिखा था पहले, ठीक है, उसको फिर जब मैंने कहा कि अर्थ नहीं होगा तो उसने फिर उसको फ्लोर कर लिया, तो अर्थ भी है कि जमीन को उसने अर्थ में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, तो बहुत सारे नए वर्ड्स इस जो सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वही दोबारा कि हम 5 जो हमने अभी कन्वर्ट किए, ट्रांसलेट किए, 5 जो सेंटेंसेस हैं उसको हम फिर से क्या करेंगे, उसको हम फिर से चेंज करेंगे, किसमें, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे उन 5 से। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है कि मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको वर्ड्स दे देता हूं, इसके बाद ये लेसन खत्म है, और आप ट्रांसलेट करके इसको कमेंट में बताइए, मैं उसमें बताऊंगा कि पिछले बार जो आपने कमेंट में बताया मुझे आंसर, उसके कंपेरिजन में आप कितना इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो इस बार एक्सरसाइज 2 है, हमने एक लेवल अप किया है, हमें वर्ड्स भी ज्यादा मिले हैं, तो अब की बार एक नहीं है सेट, अब की बार हमारे पास 2 सेट है 5-5 वर्ड्स के, और आपको उनसे सेंटेंस बनाना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन आपको वर्ड्स बता देता हूँ, फादर, राइट हैंड, लव, ब्यूटिफुल, ये आपका पहला सेट है, फादर,
पिताजी राइट, राइट का मतलब आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, राइट हैंड वाला राइट भी कर सकते हैं और सही वाला जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सही वो भी आप यूज कर सकते हैं। हैंड हाथ, लव प्यार, ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत। तो दूसरा सेट है हमारे पास थीफ, फाइंड, स्ट्राइक, एग्जाम, डर्टी। थीफ मतलब चोर, फाइंड मतलब खोजना, स्ट्राइक मतलब मारना, एग्जाम क्लियर, डर्टी डर्टी का मतलब गंदा। तो इनको आप मिला के कोई भी एक सेंटेंस दो सेंटेंस में ऐसा बनाइए जिसमें ये पांचों और ये पांचों यूज हो रहे हो। ऑर्डर की जरूरत नहीं कि पहले फादर है बाद में राइट है, राइट पहले आ सकता है उसके बाद लव आ सकता है, तो ऑर्डर की जरूरत नहीं है राइट। तो आप कमेंट में मुझे बताइए और आगे फिर देखते हैं, अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।